हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और जैसे कि आप सबको पता है कि अभी हमारा डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस का फुल कोर्स चल रहा है और डिटरमिनेंट्स हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने आया है। ठीक है, अभी हम प्रीवियस ईयर JEE और AIEEE में आए हुए क्वेश्चंस देख रहे हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम देख रहे हैं और आई होप कि सब इन्जॉय कर रहे होंगे मेरे साथ। आगे बढ़ने से पहले सबको बता देना चाहता हूँ, दिस इज आर ईमेल एड्रेस road2iit@gmail.com। यहाँ पे आप हमें अपने डाउट्स, क्वेरीज एंड सजेशंस भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये ईमेल अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और आपके डाउट्स, अपने क्वेरीज हमें यहाँ पे भेजिए। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम चलिए आज का हमारा लेक्चर ये शुरू करते हैं। पीछे से जाना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारी स्लाइड्स हो चुकी हैं, आगे से जाने में टाइम लगेगा। ओके 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 ओके, ये हो गया था लास्ट टाइम, सो यहाँ से हमें करना बाकी है। चलिए, पहला क्वेश्चन। गिवन दैट दिस थ्री कंडीशन आर थ्री इक्वेशन आर गिवन, 2x - y + 2z = 2, x - 2y + z = -4, x + y + λz = 4। ओके, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा, दिस लैम्डा फॉर सच दैट द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। अब आप नो सॉल्यूशन की कंडीशन याद करो, सबको याद होनी चाहिए कि नो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास कंडीशन थी डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 प्लस d1 इज इक्वल टू 0 और एटलीस्ट d1 d2 d3 d1 d2 d3 एटलीस्ट एनी ऑफ दिस थ्री हैज टू बी 0। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो इससे हमें मिलता था नो सॉल्यूशन, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ यही कंडीशन लेंगे। क्यों? क्योंकि यार हमें बोल दिया गया है कि नो सॉल्यूशन तो है ही, तो हमें ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज ऑल्सो प्राइमरी कंडीशन, बट हमें ये चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये नहीं होता तब हम लिखते हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, लेकिन यहाँ पे तो क्लियरली बोल दिया कि नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन होगा तो डिटरमिनेंट 0 होना कंपलसरी है, तो अभी के लिए हम यही कंडीशन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो डिटरमिनेंट 0 होगा। और डी क्या था? डी की वैल्यू थी हमारी वैल्यू ऑफ कोफिशेंट ऑफ एक्स वाई जेड का डिटरमिनेंट। तो ये हो जाएगा, मैं एक सही लाइन में पहले लिख देता हूँ, 2x + y + 2z = 2, और ये हो जाएगा x - 2y + z = -4, और ये हो जाएगा x + y + λz = 4। चलिए, अब एक पेज और ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, और एक पेज ऐड करने के बाद मैं इसका डिटरमिनेंट फाइंड करता हूँ। तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए? डिटरमिनेंट यानी कि डी यहाँ पे मुझे मिल जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, ये हो जाएगा मेरा 2 - 1 2, लेट मी चेक, 2 - 1 2, नो प्रॉब्लम। देन 1 - 1 1 - 2 1, ठीक है, 1 - 2 1, एंड देन वी हैव 1 1, एंड लैम्डा इज इक्वल टू, मैं कर दूंगा 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 - -2λ - 1, देन -(-+1), यहाँ पे हो जाएगा λ - 1, और ये हो जाएगा +2, एंड यहाँ पे दे देगा मुझे 1, और -(-+2) = 0। देन दिस विल बी लाइक -(-4λ), देन -(-2+λ), -(-1+2), प्लस एक्चुअली हो जाएगा ये 6, 3 × 2 = 6 = 0। यहाँ से मुझे मिल जाएगा, ये हो जाएगा 3λ, -(-3λ) उस साइड जाएगा तो 3λ, और ये दे देगा मुझे, जस्ट अ सेकेंड, ये मुझे दे देगा, क्या हो जाएगा बताओ आप? ये हो जाएगा दिस दिस दिस, तो ये हो जाएगा 6, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो लैम्डा विल बी इक्वल टू 2, करेक्ट है, लैम्डा विल बी इक्वल टू 2। एक सेकेंड गाइस, क्या हुआ ये? जस्ट अ सेकेंड यार, कहाँ मिस्टेक कर दी हमने? कहीं पे यहाँ पे हमने मिस्टेक किया, देखते हैं फिर से। 2 ये हो जाएगा -(-2λ), ये -1 हो जाएगा। ठीक है, और नो प्रॉब्लम, -(-2λ - 1), देन -(-+1), क्योंकि यहाँ पे माइनस आता है ऑलरेडी, और ये हो जाएगा λ - 1, λ - 1 आ गया यहाँ पे, +2 लिखने के बाद ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे -(-+2). ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो ये हो जाएगा -(-4λ), ये हो जाएगा -2, +λ - 1, +2 × 3 दैट इज 6 = 0। तो ये हो जाएगा -(-4λ + λ - 3λ, उस साइड जाएगा तो 3λ, और ये हो जाएगा 6 - 3 दैट इज 3। ओ भैया, चलो चलो कोई दिक्कत नहीं, गलती मिल गई, देखो ये इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन मिस्टेक देखो सबसे हो जाती है, ठीक है, हड़बड़ाहट में, लेकिन वो हमें नहीं करनी है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, आपके सामने मैं सॉल्व कर रहा हूँ देखो, तो इसीलिए कैलकुलेशन मिस्टेक मेरे से भी हो सकती है। चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो ये हो गया 3, यहाँ पे मुझे मिल गया λ = 1। सो कौन सा मेरा आंसर सही हो गया? मेरा आंसर सही हो गया बी, ऑप्शन नंबर बी इज माई करेक्ट आंसर। आपने देखा कि मैंने कैसे मिस्टेक की है यहाँ पे, इस तरह से सिली मिस्टेक सबसे होती है, होने के चांस है, प्लस माइनस की गलती और आपको कंफ्यूज कर देगी। मैंने यहाँ पे ये -2 थोड़ा मैंने सही से नहीं देखा, इन दोनों को मैंने काउंट कर लिया 1 1 समझ के जल्दबाजी में, और यहाँ पे 6 लिख दिया।
तो जल्दबाजी हमेशा हानिकारक रहती है। शांति से सॉल्व करना है और करेक्ट आंसर रखना है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो करेक्ट आंसर मेरा हो गया ऑप्शन नंबर बी, 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ओके, ये बहुत ही अच्छा सुंदर क्वेश्चन है एक्चुअली। ये हम मैंने लिया है 1986 IIT JEE में, वो क्वेश्चन है और ये है एक्चुअली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। इसमें मोर देन वन क्वेश्चन हमारे सही हो सकते हैं। तो 5 ऑप्शन है, उसमें से कोई भी 2, 3, 4, मैनी पॉसिबिलिटीज आ रहे हैं। तो हम देखते हैं कि इसको कैसे हम सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, तो इसको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, तभी हम कुछ कंक्लूड कर पाएंगे, नो प्रॉब्लम। इसको मैं एक नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ। पहले तो यहाँ पे हमें दिया है ए बी ए अल्फा प्लस बी, यहाँ पे दिया है बी सी एंड बी अल्फा प्लस सी, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे दिया है ए अल्फा प्लस बी, बी अल्फा प्लस सी एंड 0। चलो कोई दिक्कत नहीं। और इज इक्वल टू हमें दिया है सामने, इज इक्वल टू पूछा है हमने, इज इक्वल टू 0 दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखो इज इक्वल टू क्या है, 0, देन कौन सी कंडीशन ट्रू होगी, इज इक्वल टू दिया है हमें 0। चलो नो प्रॉब्लम। तो डायरेक्ट इसे सॉल्व करने से अच्छा है कि हम थोड़ा प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा कुछ सिंप्लीफाई करने का ट्राई करते हैं और फिर इसका आंसर लाने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ कि 0 मेरा बन जाए, क्योंकि अगर यहाँ पे 0 0 बन गया तो क्या हो सकता है कि इस कॉलम से मैं ओपन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे 0 बनाने के लिए मुझे C3 में क्या करना पड़ेगा, बताओ। C3 को मुझे लिखना पड़ेगा C3, और यहाँ अल्फा है, यहाँ भी अल्फा, यहाँ ए बी है। तो अगर मैं इसको माइनस अल्फा के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ ऐड कर दूँ तो ये दोनों टर्म्स चले जाएंगे। तो माइनस में लिखूंगा C1 अल्फा, मतलब इसको अल्फा के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस अल्फा के साथ, और फिर यहाँ ऐड किया तो ये दोनों टर्म्स चले जाएंगे। और फिर माइनस में लिख दूंगा C2, क्योंकि यहाँ पे बी सी है, यहाँ पे बी सी है, तो ये दोनों को डायरेक्ट एक दूसरे को मार डालेंगे, सिर्फ माइनस की जरूरत है, तो माइनस C2 लिख दिया। आई होप ये स्टेप सबको समझ आया होगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। C3 में ये चेंज किया है तो ए C1 C2 सेम रहेगा, C1 C2 मैंने लिख दिया पहले ही सेम, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि ये अल्फा के साथ माइनस अल्फा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों टर्म्स चले जाएंगे, ये माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों टर्म्स चले जाएंगे। तो यहाँ पे आ गया 0। अब सिर्फ हमें सॉल्व करना है ये थर्ड टर्म। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे ऐड करो, तो ये हो जाएगा माइनस ए अल्फा स्क्वायर माइनस बी अल्फा, और इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करो, यहाँ ऐड करो, तो ये हो जाएगा माइनस बी अल्फा माइनस सी, तो ये हो जाएगा माइनस ए अल्फा स्क्वायर माइनस 2 बी अल्फा माइनस सी, ठीक है। ओके चलो कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आ गया, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बी अल्फा प्लस सी, ठीक है। चलो और इज इक्वल टू सामने पूरा डिटरमिनेंट के दिया है 0। ओके, अब मैं थर्ड कॉलम से ओपन करता हूँ, थर्ड कॉलम से ओपन करता हूँ तो ये दोनों टर्म 0 हो गए, तो यहाँ से ओपन होगा, दिस इंटू दिस माइनस होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में आ जाता हूँ। तो ये हो जाएगा माइनस ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बी अल्फा प्लस सी, और यहाँ पे इंटू हो जाएगा ए सी माइनस बी स्क्वायर, ए सी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इससे हमें पता चल सकता है कि आइदर इज इक्वल टू 0 चाहिए, मल्टीप्लीकेशन 0 होगा तो या तो ये टर्म 0 होगा या तो ये टर्म 0 होगा। तो आइदर ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0, और वी कैन से ए सी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर किसकी कंडीशन है यार, दिस इज कंडीशन ऑफ जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ठीक है। दैट मीन्स कि बी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी, ठीक है। तो दैट मीन्स कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, दिस इज कंडीशन ऑफ जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन, तो जीपी की कंडीशन है। तो पहला हमारा क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, दैट इज जीपी, नॉट एपी, नॉट एचपी, बट जीपी, ठीक है। चलो अब एक और कि यहाँ से हमें फाइंड करना है कि एक और बन सकता है कि ये हमें दिया गया ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बी अल्फा प्लस सी, तो एक और इक्वेशन है कि अल्फा इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और एक्स माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही बनेगा, देखो तो यहाँ पे ऑप्शन बन सकता है डी और सी में से हमारा, ये वाला कि एक्स माइनस अल्फा विल बी द रूट ऑफ दिस, इसका एक रूट एक्स माइनस अल्फा बन जाएगा, ठीक है, डेफिनेटली बनेगा। कैसे मुझे पता चला कि एक रूट ये बने बन ही जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ बहुत क्लियर है गाइस, ठीक है, कि ये अल्फा स्क्वायर में इक्वेशन है और यहाँ पे मैं अल्फा, मेरा मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे अल्फा एक रूट है, ठीक है। तो एक्स माइनस अल्फा वो डेफिनेटली एक रूट यहाँ पे बन सकता है, तो ऑप्शन नंबर ई इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। एक्स माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ दिस, एक्चुअली रूट नहीं बोला है, फैक्टर बोला है, ठीक है। फैक्टर और रूट में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आपको पता होना चाहिए। और
यहाँ पे क्या दिया है, एक्स के टर्म में इक्वेशन है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, अगर इसका फैक्टर है तो मतलब कि x इज इक्वल टू अल्फा इसका रूट होगा, तो यहाँ पे मैं अगर अल्फा पुट कर रहा हूँ तो a अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस c, इस तरह से मुझे पता चला। ठीक है, ये क्या है देखो, वॉट इज दिस, टेल मी वॉट इज दिस, दिस इज नथिंग बट वॉट वी गॉट हेयर, वॉट वी गॉट हेयर। ठीक है, तो आई होप ये सबको समझ में आया होगा। तो इस हिसाब से हमारे दो ऑप्शन सही बैठ गए कि ई ऑप्शन और बी ऑप्शन। ठीक है, तो बी एंड ई बोथ आर माई करेक्ट आंसर। ठीक है, दिस आर माई करेक्ट आंसर। चलो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन, भैया यार बहुत ही गजब क्वेश्चन, वाह मज़ा आ गया। देखिए, JEE एडवांस 2015 में आया हुआ बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ अल्फा विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। कोई भी एक वैल्यू ही सेटिस्फाई कर पाएगी। ठीक है, बिकॉज दिस इज नॉट अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, नहीं दिस इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब मोर देन टू पॉसिबिलिटीज आर ऑल्सो देयर। ठीक है चलो, तो अब इसको सॉल्व करना है और सामने इक्वेट दिया है -648 अल्फा, तो अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे वही इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है चलो, अब मैं कैसे सोच सकता हूँ, सोचने की प्रोसेस देखो मेरी, ये 1 प्लस अल्फा स्क्वायर है, 2 प्लस अल्फा है, तो अगर इसको इसमें से सब्सट्रैक्ट करूंगा तो अल्फा स्क्वायर चला जा सकता है। ठीक है, और 1 1 की वैल्यूज भी कम हो सकती है। ठीक है ओके, और क्या कम हो सकता है देखो, और यहाँ से अगर इसको कम किया तो 3 माइनस अल्फा आ सकता है। ओके नो प्रॉब्लम, चलो चलो ट्राई करते हैं कुछ देख के, अभी तो यहाँ पे पता नहीं चलता है सही से, ट्राई करते हैं तब पता चलेगा। ठीक है, मुझे भी पता नहीं है, मैंने भी देखा नहीं है ये क्वेश्चन, तो सॉल्व करते हैं। मैं अप्रोच क्या आएगा, मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ वो आपको पता तभी चलेगा जब आप मेरे साथ सॉल्व करोगे और मैं आपके साथ सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो 1 प्लस 2 अल्फा का स्क्वायर, मैं चाहूँ तो अगर मैं सिंपली लिख के ला सकता था, लेकिन आपके साथ सॉल्व करूंगा तो आपको भी समझ में आएगा। 2 प्लस अल्फा का स्क्वायर, 3 प्लस अल्फा का स्क्वायर, 3 प्लस अल्फा का स्क्वायर, नो प्रॉब्लम, चलो कोई दिक्कत नहीं, गंदा हो गया, चलो कोई दिक्कत, मिटा दें, सही सही से लिख देते हैं। 2 प्लस अल्फा का स्क्वायर, 3 प्लस अल्फा का स्क्वायर, यहाँ पे है 1 प्लस, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे है 1 प्लस, 2 प्लस 2 अल्फा, 3 प्लस 2 अल्फा, ओके 2 प्लस 2 अल्फा का स्क्वायर और 3 प्लस 2 अल्फा का स्क्वायर, और यहाँ पे है 2 प्लस 3 अल्फा का स्क्वायर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस 3 प्लस 3 अल्फा का स्क्वायर। चलो अब आप मुझे एक चीज़ बताओ कि यहाँ पे ये मुझे पता चला है कि इससे बड़ा ये लाइन है, इससे बड़ा ये लाइन है, वॉट आई विल डू इज लेट्स ट्राई R2 माइनस R1 एंड साइमल्टेनियसली R3 माइनस R2। तो पहले R3 माइनस R2 करता हूँ और फिर R2 माइनस R1 करता हूँ। ठीक है चलिए, तो इसमें से इसको माइनस करता हूँ, तो ये क्या होगा देखो, 3 प्लस अल्फा होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस अल्फा होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा देखो, ध्यान से देखो, 9 प्लस 6 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस लिखने के बाद 4 प्लस, सॉरी माइनस हो जाएगा 4 अल्फा, तो यह हो जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर मार डालेगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 अल्फा प्लस 5, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी 2 अल्फा, ये 2 है 4 है, तो 2 अल्फा प्लस 5, यहाँ आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 5, इसी तरह से यहाँ आ जाएगा मेरा 4 अल्फा प्लस 5। ठीक है, 4 अल्फा प्लस 5, और यहाँ पे आ जाएगा 6 अल्फा प्लस 5। आप चाहो तो सॉल्व करके ट्राई कर सकते हो, वो सही सेम ही रह रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, 2 2 वैल्यू इंक्रीज हो रही है क्योंकि साइमल्टेनियसली यहाँ स्क्वायर भी इंक्रीज होगा इस तरह से, इसलिए। तो ये R3 माइनस R2 मैंने कर दिया, अब R2 माइनस R1 करूंगा मैं, तो दिस माइनस दिस होगा, तो ये हो जाएगा देखो अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे बीच में बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरे लिए 4 और 3 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 अल्फा होगा और यहाँ पे अल्फा हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा 2 अल्फा, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 3। चलो कोई दिक्कत नहीं, 2 अल्फा प्लस 3, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 4 अल्फा प्लस 3 और यहाँ पे आ जाएगा 6 अल्फा प्लस 3। समझ में आया ना भैया कैसे किया, फिर से बता देता हूँ, R2 माइनस R1 था तो 2 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस, ये हो जाएगा 4 अल्फा प्लस, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, माइनस लिखने के बाद ये हो जाएगा 1 और माइनस लिखने के बाद आ जाएगा 2 अल्फा, और माइनस लिखने के बाद आ जाएगा अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर मान लिया ये 2 अल्फा और 3, अरे यार पता चला कि नहीं। चलो ओके, अब पहला लाइन तो सेम ही था, देखो मेरे लिए थोड़ा ओपन हो रहा है, थोड़ा थोड़ा मेरा साफ हो रहा है मेरी स्क्रीन, देखो बहुत सारे स्क्वायर कम हो गए, अब यहाँ पे ये आ गया है, अब यहाँ पे मुझे एक बहुत बड़ी चीज़ दिख गई, यहाँ पे 2 अल्फा 2 अल्फा 4 अल्फा 4 अल्फा, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, R3 माइनस R2 कर सकता हूँ, तो ये अल्फा अल्फा टर्म निकल जाएगा और यहाँ पे सिर्फ कॉन्स्टेंट बचेगा, देखो धीरे धीरे आगे बढ़ना है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ,
आर थ्री माइनस आर टू, चलो तो वो मुझे दे देगा वन प्लस अल्फा का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा वन प्लस टू अल्फा का स्क्वायर और वन प्लस थ्री अल्फा का स्क्वायर। मैंने आपको बहुत पहले एक चीज़ बताई थी कि हमें ट्राई करना है कि हर जगह वन 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 आ जाए, और अगर वन 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 आ गया तो फिर उसमें से हम कॉलम सबसेक करके या रो सबसेक करके जीरो जीरो लाएंगे दो जगह पे, और फिर जो बचेगा वन वहाँ से हम ओपन करेंगे। दिस इज द मोस्ट कॉमन टेक्निक, तो हम यहाँ पे वही कर रहे हैं अभी। टू अल्फा प्लस थ्री हो गया, फोर अल्फा प्लस थ्री हो गया, और यहाँ पे हो गया सिक्स अल्फा प्लस थ्री। ठीक है, ये तो सेम ही रहेगा पहला दो रो। अब यहाँ सबसेट होगा दिस माइनस दिस, तो यहाँ पे टू आएगा, यहाँ पे भी टू आएगा, यहाँ पे भी टू आएगा, तो ये टू टू टू। अब आप मुझे बताओ, टू 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 है तो टू में यहाँ कॉमन ले सकता हूँ, ले सकता हूँ, तो यहाँ पे टू कॉमन ले लिया मैंने। ठीक है, एक स्टेप मैंने फिर से नहीं लिख रहा हूँ यार, ठीक है समझ जाओ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे हो जाएगा मेरे लिए वन 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 वन, देखो आ गया वन वन वन। अब मैंने क्या क्या बोला था कि एक बार वन 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 आ गया तो या तो रो सबसेक्शन करो या कॉलम सबसेक्शन करो, दो जगह पे जीरो ला दो। तो अब यहाँ से सबसेक कर सकता हूँ मैं, तो कैसे करूँगा, सी टू माइनस सी वन कर देता हूँ। ठीक है, मतलब कि इसमें से इसको सबसेक कर देता हूँ, और फिर सी थ्री में से सी टू को सबसेक कर देता हूँ, मतलब सी थ्री माइनस सी टू एंड सी टू माइनस सी वन, दो स्टेप कर देता हूँ। तो मुझे डायरेक्टली यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, और यहाँ से फिर ओपन कर दूंगा। तो एकदम ईजी, देखो यहाँ पे टू अवेलेबल है, टू लिखना भूलना नहीं है। वन प्लस अल्फा स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा टू अल्फा प्लस थ्री, और यहाँ पे हो जाएगा वन, ये तो सेम ही रह रहा है। ठीक है, अब दिस माइनस दिस कर रहा हूँ तो ये जीरो, ये भी जीरो, ये जीरो, ये जीरो, चलो यहाँ पे हो जाएगा थ्री थ्री कैंसिल, टू अल्फा, और यहाँ पे हो जाएगा ये, यहाँ से ये आ जाएगा तो ये भी टू अल्फा, ये दोनों जगह आ जाएगा टू अल्फा टू अल्फा, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब इसी तरह से ऊपर देखो, ऊपर क्या हो जाएगा, वन प्लस टू अल्फा का स्क्वायर, ये लिखना पड़ेगा, वन प्लस टू अल्फा का स्क्वायर माइनस वन प्लस अल्फा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वन प्लस, यहाँ पे हो जाएगा फोर अल्फा प्लस फोर अल्फा स्क्वायर माइनस, लिखने के बाद वन माइनस आ जाएगा टू अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर, तो ये मेरे लिए हो जाएगा, देखो ध्यान से देखो, वन वन एक दूसरे को मार डालेगा, यहाँ पे हो जाएगा टू अल्फा प्लस थ्री अल्फा स्क्वायर, अल्फा कॉमन आ जाएगा तो बच जाएगा टू प्लस थ्री अल्फा, चलो ओके नो प्रॉब्लम। इसी तरह से दूसरी भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा अल्फा थ्री अल्फा प्लस टू, यहाँ पे हो जाएगा अल्फा फाइव अल्फा प्लस टू, ओके चलो थक गया यार। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, डिटरमिनेंट में ये दिक्कत है, अगर कहीं भी एक प्लस माइनस की दिक्कत हो गई, जैसे हमने आगे वाले क्वेश्चन में मिस्टेक की मैंने, तो पूरा क्वेश्चन हमारा गलत जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ से ओपन करूंगा तो वन इंटू दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा टू अल्फा इंटू अल्फा इंटू थ्री अल्फा प्लस टू माइनस, लिखने के बाद टू अल्फा इंटू अल्फा इंटू फाइव अल्फा प्लस टू। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, टू टू तो है ही साइड में, बाहर ही है बहुत, तो अभी और इसमें से कॉमन लेता हूँ मैं, टू अल्फा इंटू अल्फा और कॉमन, तो अंदर बच गया थ्री अल्फा प्लस टू माइनस, लिखने के बाद फाइव अल्फा प्लस टू, तो ये हो जाएगा माइनस टू अल्फा, चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और ये अल्टीमेटली हो जाएगा मेरा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा मेरा टू, यहाँ पे भी है और टू अल्फा बाय अल्फा मैंने कॉमन भी ले लिया था। ठीक है, तो ये मुझे अल्टीमेटली दे देगा एट माइनस एट टू टू टू, और यहाँ पे हो जाएगा अल्फा क्यूब, और इज इक्वल टू, मुझे एक चीज़ दी थी आप देखो, क्वेश्चन ने मुझे एक दिया था माइनस सिक्स फोर एट अल्फा, तो यहाँ पे लिखूंगा माइनस सिक्स फोर एट अल्फा, तो यहाँ से मुझे मिलेगा अल्फा स्क्वायर माइनस माइनस, एक सेकेंड बताई देता हूँ मैं, माइनस माइनस एक दूसरे को मार दिया, अल्फा अल्फा एक दूसरे को मार देगा, अगर आपको लग रहा है मार देगा तो आप गलत सोच रहे हो, नहीं मारेगा, क्यों, क्योंकि अल्फा की वैल्यू जीरो भी हो सकती है ना, देर इज ऑल्सो वन पॉसिबिलिटी, तो इसको हम इस साइड लेंगे। ठीक है, चलो एट एट से यहाँ से अगर कोई सब्सट्रैक्ट हो रहा है तो निकल सकते हैं, एट से यहाँ पे आ जाएगा 81, चलो तो ये मेरा हो जाएगा नेक्स्ट पेज में अल्फा क्यूब माइनस 81 अल्फा इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स कि अल्फा कॉमन ले लेता हूँ तो आ जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 81 इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू जीरो और अल्फा इज इक्वल टू प्लस और माइनस 9, क्योंकि अल्फा स्क्वायर 81 है तो अल्फा हो जाएगा प्लस और माइनस 9। दिस इज माई फाइनल आंसर, ओ माई गॉड, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल, इसलिए जेडब्ल्यू एडवांस का है, ठीक है, एडवांस लेवल का न्यूमेरिकल है, लेकिन हाँ हमें कॉन्सेप्ट पता चलते हैं कि किस तरह से हमें न्यूमेरिकल में अप्रोच करना है। एक्चुअली डिटरमिनेंट में कॉन्सेप्ट जैसा भी सीखने के लिए बहुत नहीं है, फॉर्मूलाज है, फॉर्मूला याद रखो और अप्रोच सही होगा तो आप आंसर ले पाओगे, जबकि प्रॉबेबिलिटी हो या दूसरे चैप्टर्स होते हैं तो उसमें कॉन्सेप्ट बहुत रहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा अभी रैंक बूस्टर में प्रॉबेबिलिटी चल रहा है तो उसमें हम बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो जीरो है ऑप्शन में, क्या बताओ मुझे, जीरो नहीं है, नाइन है और प्लस प्लस और माइनस नाइन है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन, दैट मीन्स बी एंड सी इज माई करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन में सबको समझ में आया होगा,
आई नो कि टफ क्वेश्चन था, लेकिन हर बार आसान क्वेश्चन सॉल्व करके कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। अगर आपने खुद से ये क्वेश्चन सॉल्व किया होता और आपका सही आंसर आया होता तो आपको एक अंदर से एंथुजियाज्म होगा, आपका एक अलग ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो आई होप सबको मजा आएगा ये क्वेश्चन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना ना भूले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।